हेलो राधे राधे जी, सभी को कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और देखो आज मैंने घर का क्या हाल बना रखा है। सब ऐसे ही, सब इनके कपड़े वगैरह उतार दिए इनके, इन सब की साफ़ सफाई चल रही है आज घर की। अरे ये अभी सबसे पहले मैं ये कपड़े उपड़े तो मैंने उतार दिए हैं, नहा धो के पहले पूजा करूँगी। मतलब ये यहाँ पर मंदिर में सफाई कर ली थी, वही प्रभु नहा दिए हैं। देखो कैसे लग रहे हैं आज, और दिन है 28 तारीख। अभी मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ की पूजा मेरी समाप्त हो गई है लगभग। अब मैं जाऊँगी ऊपर पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार और मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ विष्णु भगवान जी का। और इसमें क्या है, विष्णु भगवान के व्रत में केले की पूजा करते हैं, सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे। तो अभी मैं भगवान जी के यहाँ मतलब केले के पास आई हूँ, इनको नहला दिया है कलावे के रूप में, मतलब वस्त्र के रूप में कलावा देते हैं। टीका हो गया है, हल्दी से चावल लगा दिए मैंने, और अब मैं पहले जोत जला लूँगी। ये नहाने धोने का जो भी काम है वो तो हो गया है, अब जोत जला के इनको धूप दीप दिखा के उसके बाद फिर मैं कथा शुरू करूँगी। तो अभी जोत जला दी है। और ये पूजा अधिकतर हमारे एरिया में तो सभी करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि घर में केला नहीं लगाना चाहिए, लेकिन भाई मुझे व्रत रखते हुए कम से कम हो गए हैं 18 साल, 18 से भी ज़्यादा। मतलब मैं 1 ईयर व्रत रखती हूँ, फिर उद्यापन कर देती हूँ, फिर पकड़ लेती हूँ ऐसे। और मैंने घर में ही केला लगा रखा है 18 साल से, मैं कहीं बाहर पूजा करने नहीं गई। जब मैंने व्रत शुरू करे थे तभी से घर में केला लगा रखा है। और ये कहने की बात है कि जिस केले की पूजा करते हैं उस पर फल नहीं आता है। मैंने अपने घर जहाँ डाबका मेरठ में हम रहते थे वहाँ पे केला लगाया था, उस पे केले पे हर साल फल आता था। केले की पूरी एक लंबी सी चरखी लगती थी जो पकते थे पेड़ पे ही। और यहाँ पे भी उधर रहते थे हम, उन्होंने इसमें से गमले में से ही लेके केला ज़मीन में लगा देता, उस पर भी फल लगा है। तो भाई जिस केले की मैं पूजा करती हूँ उस पर तो फल आता है। और देखो और की मैं कह नहीं सकती, सबके अपने विचार हैं। अब मेरी कथा पूर्ण होगी थी तो मैं कपूर से आरती कर रही हूँ भगवान जी की। और नियम सब वही होते हैं, बस चने की दाल और गुड़ या मुनक्खा से पूजा करते हैं, और बाकी चीज़ें तो सब वही होती हैं। और देखो बंदरों ने क्या हालत कर दी है इसकी, तोड़ के सारे पत्ते तोड़ दिए हैं। कितना सुंदर हो रहा था ये बड़ा सा, और अब ये छोटे छोटे दो निकले हैं, तो मैं सोच रही हूँ बड़े वाला काटना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदरों ने सारा ही तोड़ दिया है। तो जी हो गई है पूजा, केले की जड़ में भी हो गई है विष्णु भगवान की, और नीचे भी हो गई है लड्डू गोपाल वाली भी। बस अब नीचे आई हूँ, चलते हैं अंदर गेट खोल के। और अब ये सारे जो बैठक के कपड़े वगैरह हैं ये सब मैं लगा दूंगी। अब मैंने शुरुआत की है पायल के कमरे से, क्योंकि आज मैंने ना सभी कमरों के कपड़े मतलब ये बेडशीट वगैरह उतार दी हैं, धोई हैं, और इन पर मैं थोड़े नए से कपड़े बिछा दूंगी। जैसे थोड़ा कुछ स्पेशल सा होता है तब बिछाते हैं, और क्या स्पेशल है ये आज का ब्लॉग है, आपको 29 तारीख के ब्लॉग में पता चल जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग जो इससे अगला आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि ओकेजन क्या है नए बिछाने का। और आप देखना, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। ये मैंने इस पे चादर बिछा दी है, और ये तकिए के कवर डाल रही हूँ, और जो ये गोल तकियों के कवर हैं ये मैंने खुद बनाए हैं। करती तो रहती हूँ पर पहले वीडियो नहीं बनाती थी, तो इसलिए पहले की चीज़ों का तो कुछ कवर अप है ही नहीं। ये तो मार्केट के हैं, ये जो कुशन है ये तो मैंने घर पर बनाए हैं, सिल के रुई भरवा ली थी इनमें, कवर बाहर से आए हैं बाज़ार से, ये नहीं बनाए हैं, कुशन घर में बनाए हैं। ये जो ग्रीन रखे हैं, ग्रीन रखा है ये भी घर में बनाए हैं, और ये जो बड़े वाले दो ये भी घर में बनाए हैं। जो अभी पायल के कमरे में एक बड़ा सा रखा था वो भी घर में बनाया है। बस ये मैं ये लोबी का कर रही हूँ अब मैं सेटअप, इधर से ही करते हुए चली हूँ। पहले पायल के रूम का कर दिया है, अब लोबी का करूँगी, उसके बाद सब फिर बैठक का करूँगी, क्योंकि बैठक में अभी सफाई हो रही है। क्योंकि जब आज ये कपड़े वपड़े हटाए थे इनके, तो सबके मैंने सोचा दीवारों से हटा के थोड़ा सोफ़े वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाएगा, पोचा उच्चा लग जाएगा दोबारा से, तब
अच्छे से दोबारा पीछे कर देंगे इनको, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। और ये यहाँ का भी सेट हो गया है सोफा। अरे आज मेरा काम बहुत लेट निपटा क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसमें करने में। देखो ये सोफ़ा वोफा आगे हटा के अच्छे से सफाई करवा रही हूँ मैं। अरे इसमें इस काम में दो जनों को लगना ही पड़ता है, अकेला आदमी तो दुखी हो जाता है सामान को खिसकाने में करने में, तो इसलिए मैंने और रेनू ने मिलकर दोनों ने ही अच्छे से, मतलब मैं सफाई की डस्टिंग करती रही साथ साथ और वो क्लीनिंग करती रही। कूड़ा तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन खुद दीवार पे देख रहे हो सिलन ने क्या हालत कर दी। और अभी 1 साल हुआ है पुताई हुए को, लेकिन सिलन इतनी ज़्यादा है। एक नेबर्स का, हमारे जो नेबर्स हैं उनका मकान बना है, तो उसकी वजह से भी सिलन थोड़ी ज़्यादा आ गई है। और वैसे भी मकान ना भी बनो तो सिलन तो देखो आती है, कोई कितने भी अच्छे से बनवा लो, सिलन की तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे एरिए में, बहुत ज़्यादा। आप कितने भी अच्छे से बनवाओ, सिलन सिलन सब पुताई उताई एक ही साल में ख़राब हो जाती है। अभी रेनू ने इधर पोछा लगा दिया, इधर वाला सोफ़ा मैं इधर खिसका दूंगी, इस पे भी डस्टिंग कर दूंगी, इतना वो उधर कर देगी। तब इसको पीछे करके, जब बाकी सामान पे डस्टिंग करके कॉर्नर में जो सामान रखा था उसको भी साफ़ सफाई करके तभी मैं लगाऊंगी अच्छे से। और अभी कितना टाइम हो रहा है, लगभग बज रहे हैं 10:30। देखो अब मैं, वैसे तो यहाँ झाड़ू वाड़ू लग गया है, इनके नीचे पोछा भी लग गया है, लेकिन पहले मैं ये सारी डस्टिंग कर दूँ, उसके बाद फाइनल पोछा लगेगा। टेबल वगैरह भी साफ़ करनी है। अरे ये पूरा कांच का बना है तो थोड़ा आराम आराम से करना पड़ा कि कभी कांच की किनारी से हाथ ना कट जाए। ये ट्रे भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। अब पहले तो मैंने इसमें अबे की फ़ोटो रख दी थी ट्रे में, अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, साफ़ करके फ़ोटो रख दी थी अबे की, लेकिन फिर मुझे लगा फ़ोटो नहीं रखते, फिर मैंने फ़ोटो हटा दी, फिर उसमें मैंने डेकोरेटिव बोतल रख दी। अभी मैं देखो, अब कप में ये साफ़ सफाई तो हो गई है सारी, अब मैं फ़ाइनल लुक दे देती हूँ उसको, कपड़े बिछा देती हूँ। और ये दीवान सेट मेरे पास मतलब इस तरह है कि चादरें तो दो हैं इसकी, मतलब मैं जब लाई थी इसको तो मैंने उनसे कहा था, क्योंकि जब मैंने ये ख़रीदा था तो मेरी बैठक में दो दीवान थे, बड़ी थी वो इससे, तो उसमें दो दीवान एडजस्ट हो जाते थे, तो मैं दो दीवान की चादरें उससे लेके आई थी। मिली तो मुझे थोड़ी महंगी थी क्योंकि उन्होंने सेट में से हटा के मेरे को दी थी ये चादर, कुशन और पिलो, ये कुशन कवर और राउंड पिलो कवर उन्होंने रख लिए थे, चादर मेरे को दे दी थी। पड़ा तो महंगा था लेकिन सेट बन गया था। तो एक चादर मैंने सेम पायल के रूम में बिछाई है, आपने देखा, उसके साथ मैंने वाइट राउंड पिलो कवर लगाए हैं, और ये दीवान सेट पूरा यहाँ पे है। इसमें 5 कुशन हैं, आप 5 के 5 एक जगह लगा दो, नहीं तो मैंने थोड़ा सा ये ग्रीन वालों के साथ मैच करके ये सोफ़े पर लगा दिए हैं। अब पांचों आप दीवान पर लगाना चाहते हो या पांचों सोफ़े पर लगाना चाहते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आप मिक्स मैच करके कैसे बिछाना चाहते हो। और ये जो मैं कवर बिछा रही हूँ ये भी मेरे पास 5 साल पुराने हैं, 5 साल पहले मैंने लिए थे ये, और ये मैंने जहाँ मैं रहती हूँ यहीं से लिए थे, लोकट मार्केट से। ऑनलाइन चीज़ें तो मैं थोड़ी कम ही लेती हूँ क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब इन पे भी मैं फटाफट बिछा देती हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें भी करनी है अभी। कल के लिए तैयारी है, कल का काफ़ी काम मैं आज ही ख़त्म कर दूंगी, तो उससे मुझे कल ना फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। बस ये टेबल बची है, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, तो ये मैंने इस पर कोलिन लगा दिया है, और साफ़ कर देती हूँ इसको गिल्ली, मतलब कोलिन लगा के एकदम इतनी चमक सी आ जाती है शीशे में, तो बहुत अच्छी। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं होती, पर मॉइस्चर है आजकल, नमी है बहुत ज़्यादा हवा में, तो ना थोड़ा थोड़ा सा धूल के कण चिपक से ही जाते हैं। और देखो चीज़ें सफाई से ही हैं, केयर से ही हैं, अगर आप केयर करोगे, चीज़ें हो या अपन बॉडी हो, केयर करोगे तो वो साथ देगी, अगर केयर नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ साथ नहीं देती आपका, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। इस पे भी मैं ये टेबल रनर डाल देती हूँ, और ये छोटा सा एक पोट रख देती हूँ इस पे, मैंने ग्रीन ये रख रखा है, आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। ये देखो ऐसा अब ये ड्राइंग रूम ऐसा तैयार हुआ है। अरे कुशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं,
चाहे रेड रख लो सोफे पे, चाहे ग्रीन रख लो। मैंने अभी तो ऐसे ही रख दिए हैं, और ये तो दिन भर में बच्चे इधर उधर करते ही रहते हैं। पायल जब बैठेगी सारों को एक साथ लेके बैठती है, तो बस फिर वो हो जाएंगे। अब मैंने देखो इधर ये यहाँ पे वो जो मैंने ये बोतल बनाई है वो बोतल सजा दी है, फ़ोटो मैंने हटा दिया है। इनमें मैंने ये ना फेरी लाइट डाल रखी है, ये बड़ी सुंदर लगती हैं जब जलती हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। देखो मैं आपको अभी ना थोड़ा अंधेरा करके दिखाती हूँ, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ये डिज़ाइन मैंने खुद करी है, सॉस की बोतल थी और एक थी जैतून के तेल की। इधर ये प्रिंटर रखा है, प्रिंटर हटाते नहीं है यहाँ से, उन्होंने मना कर रखा है क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है प्रिंट वगैरह निकालने की, तो उन्होंने कहा नहीं यही रहेगा, प्रिंटर नहीं हटेगा, तो इसलिए हम नहीं हटाते हैं इसको। ये कैमरे का सेटअप भी है तो इस पर भी कपड़ा डाल दिया है, और यहाँ पर से वो बास्केट हटा दी है, ये फ्लावर पॉट रख दिया है। बास्केट रखी थी यहाँ पर बुक्स की, तो वो मैंने हटा दिया फिलहाल। ये वाली बास्केट है, और ये वाली बास्केट मैंने खुद बनाई है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी वीडियो में, आप देख सकते हैं। काम हो गया है सारा, लगभग सब सेट हो गया है, सारे कपड़े वपड़े बदल दिए हैं। और क्यों हो रहा है ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और आज है 28 तारीख और आ जाएगा अभय, तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। और अभी चाय भी नहीं पी है, पूजा करके, पूजा किए हुए 2 घंटे हो गए, और जब से अब तक ना काम में ही लगी पड़ी हूँ मैं सही। और पहले ये सोचा कि कपड़े धो लूँ, फिर याद आ गया था कि बृहस्पति है, फिर पूजा वूजा करके कपड़े तो नहीं धोए हैं, लेकिन सब चेंज कर दिए हैं। और देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है, क्या बनता है, जब अब आएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब जी आ गया है खाने पीने का नंबर, चाय बना रही हूँ अपने और रेनू के लिए, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी है अभी, और आलू उबल रहे हैं सब्जी के लिए। 2 सब्जी बनेंगी, आलू टमाटर और पेठा। और देखो मलाई कितनी अच्छी उतरी है। अब मलाई उतारने का ये सबसे अच्छा तरीका है, मलाई को चारों तरफ से चक्कू से काटो और बीच में से पकड़ के उठा लो, पराठे की तरह उठ जाती है एकदम तय होके। देख रहे हैं कितनी प्यारी सी निकली है। अब मैं चाय बन रही है, दूध में डाल दिया, आलू भी बॉईल हो रहे हैं। अब मैं तब तक पेठा काट वाट कर तैयार कर लेती हूँ, और अब को पेठा पसंद है इसलिए मैं पेठा बना रही हूँ। अब देखो अब फाइनली नंबर आ गया कि चाय मिली गई है, 11 बज रहे हैं। इस काम में इतना टाइम लग गया आज, तो अब मैं सब्जी छोक देती हूँ। चाय बन गई थी तो एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है टमाटर की, आलू टमाटर की सब्जी के लिए, और कुकर में मैं पेठा छोक दूँगी, तो इसमें मैंने मेथी हींग और उसमें जीरा हींग डाल दिया है, इसमें थोड़ी सी मिर्च थोड़ा सा अदरक उसमें, बाकी उसमें डाल दूँगी, प्याज नहीं डाल रही हूँ। और दोनों में थोड़े थोड़े टमाटर डाल दिए हैं, बस छोंक एक जैसा ही है, एक में जीरे से लगाया और एक में मेथी से लगाया। अब ये सारे मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्च सूखा धनिया और हल्दी, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में भी डाल देंगे हल्दी मिर्च और सूखा धनिया, नमक डाल देंगे, और बस सब्जी तैयार हो जाएगी हमारी फटाफट से। इसमें पेठा डाल के मिक्स कर दूंगी, और पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि पेठा हरे वाला है, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है ये, एक बूंद भी पानी नहीं डालना है। और इसको बंद करके 2 सिटी लगा लूंगी मैं इसमें। और ये छोंक तैयार हो गया है, इसमें मैं आलू थोड़े से भून देती हूँ, और 1 कटोरी पानी डाल दूंगी, थोड़ी पतली सी ही बनाऊंगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाऊंगी। मेरा तो व्रत है, तो पायल और अभी हैं, अभी भी आ जाएगा दोपहर को। इतना सब्जी बन रही है, इतना आटा लगा देती हूँ फटाफट से, बस फिर रोटी सेकनी रह जाएंगी, बच्चों को जब खानी होंगी तब रोटी सेक जाएंगी बच्चों के लिए। और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है औरतों का, और सब कह देते हैं क्या काम होता है घर में। आटा लग के तैयार हो गया है, एक बार दोबारा से सेट कर लूँगी। देखो 2 सिटी के बाद मैंने कुकर खोला है, कितनी ज़्यादा इसमें पानी दिख रहा है आपको। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच डालूंगी अमचूर पाउडर, तो उससे खटास आ जाएगी। पेठा बन के तैयार हो गया, आलू टमाटर भी बन गए हैं, देखो बिल्कुल गरम गरम है। आ जाओ, पायल के लिए थाली लगी है, खा लो अब भी। और देखो पूरी क्लीन करके छोड़ दिया है किचन एकदम टनाटन। 1 बज गया पूरा सारा काम ख़त्म करने में। अब मैं आ गई हूँ रूम में, मुझे लगाने हैं 2 साड़ियों पर फूल,
तो मैंने ये रख लिए हैं। कई दिन से सोच रही हूँ लगा लूँ लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा था, तो आज मैं फाइनली एक का फोल नहीं मिल रहा। मैं पायल से कह रही इसका फोल ढूंढो, यहीं रखा था, क्योंकि मैं इनको कल भी लेके बैठी थी तब भी नहीं लगा पाई थी। तो आज मैं लेके बैठ ही गई हूँ कि नहीं आज लेटना नहीं है, आराम नहीं करना है, तो फटाफट मैं इनका फोल लगाती हूँ। अब ग्रीन कलर देख के आप समझ ही गए होंगे मैं इसको कब पहनने वाली हूँ। जब पहनूंगी दिखाऊंगी तो हूँ ही आपको, जब डेली व्लॉग बनाने लगी हूँ तब तो कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। और ये इसका ब्लाउज था, इसमें मैं ब्लाउज बहुत कम बनवाती हूँ साड़ी के मैचिंग, मतलब मैं कोशिश करती हूँ रुबिया के ब्लाउज बनवाने की, मुझे वही ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। देखो नीचे की तरफ से मैं इस तरह इसको लगा लूँगी। नीचे का फोल वैसे मशीन से भी लग जाता है, लगाते हैं, मैं भी लगा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन आज मैं हाथ से ही लगा रही हूँ ऐसे ही, बस हल्का हल्का सा टेबे करते हुए। और जब जहाँ हम ये टाका निकालते हैं ना इस तरह, जैसे जहाँ सुई निकली है उसके पीछे से लेना चाहिए टाका, तो उससे क्या होता है फोल हमारा उधड़ता नहीं है जल्दी से, जैसे कई बार उधड़ जाता है ना तो वो उधड़ेगा नहीं अगर आप टाका पीछे से लेंगे तो। जैसे जहाँ भी आपने सुई को निकाला है उससे उसके पीछे से, धागे के पीछे से, आप आगे से नहीं पीछे से लें, तो उससे क्या होगा फोल उधड़ेगा नहीं आपका जल्दी से, काफ़ी दिन चलेगा। मैं तेरा इंतजार कर रही थी बाहर खड़ी होकर, चल अंदर। अरे पसीना हो रहा मेरा तो। अब सिंगे देखिए, अरे कमजोर हो रहा आपका तो तू। हाँ देखिए कमजोर हो रहा भाई मेलोंडा तो। चल वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।